ओम शांति, बोलिए ओम शांति। आज हम हमारी कहीं वैल्यू नहीं है, कहेंगे मेरी बेटी कहेगी मेरी तो कोई वैल्यू नहीं करते, मामा इधर डांटती है, पापा इधर बोलते हैं, भाई बहन भी हमको नहीं वैल्यू करते, कोई देते ही नहीं वैल्यू। ससुराल में आते हैं तो भी हमारे पूरे ससुराल के जो मेंबर होते हैं वो भी हमारी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो मेरे मुख से भी मेरी कोई वैल्यू भी नहीं करती, पति भी नहीं, जिठानी नहीं, दरानी नहीं, कोई वैल्यू नहीं करते। आज क्यों वैल्यू हमारी नहीं करते हैं, हमें डिमांड है वैल्यू करने की, चाहना है, क्यों वैल्यू नहीं हो रही है, हम सब वैल्यू लेस होते जा रही है। जो आत्मा की क्वालिटी थी, जो गुण थे, उससे हटकर आत्मा क्या कर रही है, कर्म कर रही है। सुनती तो बहुत है पर दूसरा कान भी तो दिया है ना, क्या करने के लिए, निकालने के लिए। अगर हमारे जीवन में वैल्यू कब होगी, वैल्यू गुणों की होती है, वैल्यू मूल्यों की होती है, वैल्यू चरित्र की होती है, वैल्यू उच्च विचारों की होती है, तो क्या मेरे पास ये क्वालिटी है, अपने आप से पूछो क्या ये क्वालिटी है। अगर है तो बट नेचुरल लोग हमारी क्या करेंगे, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक सब चैनल है, प्रोसेस है, ऑटोमेटिक लोग हमारी वैल्यू करेंगे। जो ग्रेट आत्मय है, जो महान आत्मय है, उनको कहना नहीं पड़ता मेरे पहुँचो, उनको कहना नहीं पड़ता मेरी वैल्यू करो, ऑटोमेटिक उनको क्या होती है, उनकी वैल्यू होती है, उनको श्रेष्ठता की अलग हट करके नज़र में रखते हैं। आज घरों में प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ये मेरी वैल्यू नहीं करते, बड़ा छोटे की नहीं कर रहा, छोटा बड़े का सम्मान नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है। इसी कारण तो फैमिली में बिंगटन होता चला जा रहा है। तो ये ज्ञान अगर इसको सुनकर मैं आत्मा धारण करती जाऊंगी ना, मैं कहने की जरूरत है, मैं मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हमारी वैल्यू अपने आप क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी।